तो यार देखो, अपन जो करते हैं ना फुल चौड़ में करते हैं, अपन जो करते हैं फुल प्रूफ्स के साथ करते हैं, अपन जो दिखाते हैं ना एक एक चीज़ प्रूफ के साथ होती है, चाहे वो मेरी कंट्रोवर्सीज वीडियो हो चाहे वो मेरी रेगुलर वीडियोस हो, तो हर चीज़ का एक प्रूफ होता है, हर चीज़ का एक मोटिव होता है। ऐरी गैरी नत्थू गैरी वीडियो नहीं बनाता भाई मैं अपने चैनल पर, ठीक है? मेरा चैनल, मेरा कैमरा, जो मर्ज़ी चाहे शूट करूँ, जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना भाई मर्ज़ी आप लोगों की। सो हे गाइस, हेलो एंड हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन योर लाइफ। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। वेलकम बैक टू आर चैनल, दैट इज रेड सोल। कुछ लोग बोलेंगे लाखों व्लॉग्स के नाम पे व्यूज़ कमाने आ गया अजी मेरा भैया। देखो बातें सब्सक्राइब की, अब सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है, वी आर वेरी क्लोज टू 50K। सो गाइस टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाल बटन को ठोक के कर दो ग्रे कलर का, और घंटा जरूर दबा देना आगे वाले फ्यूचर वीडियोज आने के लिए। और कुछ लोग ना अभी वो ये बोलेंगे कि तेरे चैनल पर 300 वीडियोज़ नहीं आई, तेरे पास कंटेंट नहीं है। सुन बेटा सतरंगी, कंटेंट तो इतना पड़ा है, मतलब अगर मैं पिछले 15 दिन से वीडियो डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास वीडियोज़ नहीं है, मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा। पिछले 15 दिन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे पास अभी 8 या 9 वीडियो शूटेड पड़ी हैं। लेकिन कहते हैं ना एक आलसी वाला बंदा होता है, तो मैं वही आलसी हूँ। देखो यार, बेड पे मतलब चादर तक नहीं डाली मैंने, तकिए पे कवर तक नहीं डाले हैं 5-6 दिन से, इतना आलस है तो वीडियो मतलब शूट करने का मन नहीं कर रहा। अभी आते हैं मुद्दे पे, टाइटल राइटर सोल अब्यूज राघव व्लॉग्स, इंस्टाग्राम चैट लीक, राइटर सोल एक्सपोज। हो ये राइटर सोल ने क्या कर दिया, राइटर सोल ने गाली बक दी किसी को, इतना बच्चा नहीं है राघव, राइडर सोल इतना बच्चा नहीं है राइडर सोल। भैया राघव इतना दिमाग तो लगा लेते कि अगर कोई बंदा यूट्यूब पे है तो वो सोशल मीडिया पे जाके किसी को गले नहीं बकेगा, वो किसी की माँ बहन के खिलाफ नहीं लिखेगा। वैसे तो मेरे संस्कार ये हैं कि मैं किसी की मदर सिस्टर करता नहीं हूँ, ऐसे सोशल मीडिया वगैरह पे किसी को बोलना होता है तो भाई भाई फेस बोलता हूँ, और इतना जिगरा और इतना गुर्दा क्या होता है भाई, इतना गुर्दा रखता हूँ, ठीक है? अब देखो यार, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये, जिसको जो बोलना है बोलो, वीडियो बनानी ज़रूरी थी, मेरे को सेल्फ डिफेंस ज़रूरी था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिसको देखनी है तो एंड तक देखो, जिसको नहीं देखनी भाई बिल्कुल मत देखना, मर्ज़ी आप लोगों की है। आते हैं मुद्दे पे, एक स्टोरी आती है, इंस्टाग्राम वाले भैया हैं मिस्टर कूलर वाले भैया, ठीक है? वो एक इधर देख रहे हैं ना, आ रही है, उन्होंने लिखा अबे ओए, फिर गाली लिख दी, फिर उन्होंने बोला राघव को बोल दियो कि उसकी माँ, फिर गाली, शुभू उसकी बहन, फिर गाली, के प्लान में है, बाहर ना आए थोड़े दिन, जीनोसो समय थी तोड़ेंगे रोहिणी चौक में, और तू उसके साथ मत रहियो, कहीं तेरे भी हड्डियां टूटें। तो ये मिस्टर कूलर वाले भैया ने लिखा। अब यार राघव इतना दिमाग तो लगा लेता, देख मेरी लड़ाई तेरे से कब की ख़त्म हो चुकी है, ना तो मैं कोई पिंग करता, ना मैं कोई मतलब इंस्टाग्राम वगैरह, मतलब ना छोड़ो भाई, ये इतना हो गया। तो राघव ने इसका रिप्लाई लिख दिया, चूड़ियाँ नहीं पहनी अपन भी जाट हैं, इसका जवाब आगे देंगे। देखो मैंने सीधा गया इंस्टाग्राम पे, स्क्रीनशॉट देखते रहना, कूलर _ जो भी आईडी है वो ना तो राइडर सोल को फॉलो करती, ना ही राइडर सोल उसको फॉलो करता। फिर आ जाते हैं हम राघव ब्लॉग्स पे, कूलर _ वाली आईडी ना तो राघव ब्लॉग्स को फॉलो करती, ना ही राघव ब्लॉग्स उसको फॉलो करता, ठीक है? तो ना तो ये राघव का सगा है, ना ये मेरा सगा है। अब इतनी टेंशन है हमारी लड़ाई की, मैं कोई प्लान बना रहा हूँ तो किसी का तो सगा होता, किसी को तो फॉलो करता, ना तो राघव को फॉलो कर रहा है, ना राइडर सोल को फॉलो करता, इसका मतलब ना तो इसका लेना देना राघव से है, ना ही इसका लेना देना राघव राइडर सोल से है। राघव भी क्लीन चिट, राइडर सोल भी क्लीन चिट। अब बात आती है फिर एक और पॉइंट की, भैया क्या पता बंदा तुम्हें फॉलो ना करता हो लेकिन बंदा तुम्हारा दोस्त हो। भैया देखो, अगर बंदा होता हमारा दोस्त, हमारा जिगरी, तो हमारे सारे जिगरी हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट जरूर लाइक करते हैं। मेरी पिछले 5-6 पोस्ट पे एक पोस्ट है जिसपे सबसे ज़्यादा लाइक्स गए हैं, 451 लाइक, 451 या 50 के आसपास लाइक है। देखो भैया इधर एक वीडियो चल रही है आपके साइड, ना तो इस बंदे ने वो पोस्ट लाइक करी, अगर मेरा जिगरी होता तो पोस्ट लाइक ज़रूर करता। इसका मतलब ना तो मैं इस बंदे को जानता, ना मैं इसको जानता, ना ये मेरे को जानता, ना राघव इसको जानता, ना राघव को ये जानता। ये है कोई तीसरा बंदा जो बीच में आके अपनी बस करवाना चाहता है, और मैं कर दूंगा, ठीक है जी? अब देखो मेरी वीडियो बन रही है फुल स्वैग में, क्योंकि भाई यहाँ मैं गलत नहीं हूँ। अभी बात आ रही थी थोड़ी सी आगे, आज से कुछ दिन पहले, यहाँ तो बात खत्म हो गई, देखो मैटर सॉल्व है, ना तो मैंने राघव को गालियाँ दी, ना ये मेरा ऐसा कोई सीन है कि लड़ाई वड़ाई का भाई, ना दुश्मनी निकालते, दुश्मन नहीं है राघव मेरा, जो बात हो गई वो खत्म हो गई।
दुश्मन थोड़ी है कि मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ होगा भी ना तो मुंह पे जाके बोलूंगा, हाँ भाई भिड़ना है मुझे तुझे, भिड़ ले आपस में बता। ऐसा नहीं है मेरा, मैं लड़ाई वड़ाई नहीं करता भाई, मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड स्कूल कॉलेज में ढूंढ लो, मेरा कोई नाम नहीं आएगा लड़ाई वड़ाई, मैं लड़ाई वड़ाई नहीं करता, मैं हाथापाई नहीं करता किसी से। अब बात आ गई थोड़ी देर बाद मुझे एक नोटिफिकेशन आता है, मिस्टर कूलर फॉलोइंग यू। वाह भैया आप लेट हो गए हमें फॉलो करने में, हमने स्क्रीनशॉट पहले ले लिए थे आपसे, आपने उस टाइम हमें फॉलो नहीं किया था, इसका मतलब आप हमें जानते नहीं थे उस टाइम ना, हम आपको जानते थे। अब यार आ जाते हैं उस दिन पहले की बात। अब ये चीज़ मैं राघव से बोलना चाहूँगा, आज से कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो आई थी, मैं अपने YouTube चैनल को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, एज अ लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म, जो मेरे को लगता है कि जो न्यूज़ पब्लिक में नहीं है मैं वो शेयर करता हूँ। अब मेरी एक वीडियो आई थी पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए, 16 ईयर ओल्ड गर्ल गैंग रेप इन झारखंड, नो मीडिया कवरेज। उस वीडियो में एक नीचे कमेंट आया था, शायद अगर स्क्रीनशॉट होगा तो मैं जरूर शेयर कर दूंगा यहाँ पे, एक कमेंट आया था और मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था राघव को क्लीन चिट देते हुए। तो एक बंदे ने बोला कि भैया मैंने ये वाली वीडियो राघव को मेल करी, और राघव ने बोला कि राइडर फॉर जो भी कर रहा है वो व्यूज़ के लिए कर रहा है। मैंने राघव को क्लीन चिट दी कि ना भाई, कोई बंदा इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता कि एक गर्ल वाली बात पे, किसी की इज्जत की बात पे राघव ऐसे बोल दे कि ये वीडियो व्यूज़ के लिए है, क्योंकि वो वीडियो एक सोशल अवेयरनेस के लिए थी। ठीक है, यहाँ मैंने राघव को क्लीन चिट दे दी, लेकिन इस वीडियो में राघव, इस इंस्टाग्राम स्टोरी पे राघव ने क्या किया, राघव ने मेरा नाम डाल दिया। कम से कम भाई मेरा नाम तो हाइड कर देता, मतलब यार इतना तो सोच ले कि वो स्टोरी तेरे फॉलोअर्स देखेंगे, तेरे प्यारे प्यारे सतरंगी जितने भी फॉलोअर्स हैं, तेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं बंदे आरवी गैंग, वो देखेगी। अब यार आरवी गैंग मेरे को आगे गालियाँ देगी शुभू को, जबकि शुभू ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो शुभू की माँ बहन करवाने में प्रमोट कर रहा है बंदों को, भाई वो गलत है ना। इस वीडियो के कमेंट में जो बंदा भी माबेन करेगा ना, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे वो राघव के लिए हो, वो बंदा ब्लॉक होगा सीधा सीधा। तो भैया माबेन की सबकी इज्जत है, किसी को वाली वाली ना बको, ठीक है। तो राघव को बोल दियो उसकी डैश डैश शुभू, उसकी डैश डैश का प्लान कर रहा है भाई, शुभू नाम हेड कर देना चाहिए था, मेरा नाम यहाँ नहीं आना चाहिए था। पहली बात तो मेरा दोस्त होता ना वो शुभांशु राइडर सोल ही लिखता, सारे मेरे को राइडर सोल बोलते हैं, शुभांशु बोलते हैं, शुभू की स्पेलिंग भी लोग लिखते हैं SHUBW, SUBHU क्या होता है, शुभू क्या होता है भाई, शुभू इट्स शुभू नॉट शुभू। सो थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल लगा के बंदे को ये देख लेता, थोड़ा फॉलो अप मार लेता भाई कि वो तेरे को फॉलो करता है नहीं करता, मुझे करता है नहीं करता, यहाँ पे तुझे मेरी इज्जत उतारने की जरूरत नहीं थी। और हाँ चलो यार डिस्क्लेमर, यहाँ वीडियो ही वाली खत्म हो जाती है, यहाँ ये मैटर खत्म हो जाता है मेरी तरफ से भाई, ऐसा कुछ नहीं है, और मतलब हाथ में तुलसी जी है, तुलसी जी को मानता हूँ मैं, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से। और अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है ना भाई कि कोई बंदा अपनी कुंदस निकालने के लिए मेरे नाम पे राघव को हर्ट कर देता है, या मुझे कोई हर्ट कर देता है, तो मतलब मेरा तो कभी नहीं जाएगा कि राघव ऐसा करवा सकता है, या भाई ये बस सोचियो कि मैंने ऐसा करवाया है। मैं लड़ाई वड़ाई में विश्वास नहीं रखता, जो होता है मैं वीडियो बना के डालता हूँ, जैसे मैंने बना के डाल दी अपने सोशल सेल्फ डिफेंस में, सिंगल शॉर्ट वीडियो है विदाउट एनी कट। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई हो, वीडियो क्या भी पसंद आओगी, ये तो खैर सेल्फ डिफेंस की वीडियो थी, और राघव भाई तू देख लियो पूरी वीडियो है, तूने खैर यहाँ तक देख भी ली होगी, कोई बात नहीं, मेन मोटिव था तेरे तक पहुँचाने का, तो थोड़ा ना फॉलो अप कर लिया अगर बंदों को कि बंदे ने क्या किया है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। और किसी का भी नाम ना ऐसे गालियों के साथ जोड़ के सोशल मीडिया पर नहीं डालते, बंदे उसकी मामन करने आ जाते हैं, कम से कम मेरी मामन की इज्जत कर भाई, मैं तेरी मामन की बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने कभी आज तक गाली नहीं दी कि राघव ये राघव वो, तो इतना कर ले, ठीक है। बाकी अ बिग थैंक्स टू विख्यात भैया फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट, अ बिग थैंक्स टू राघव यश अंकित, सब ने वीडियो बनाने का मुझे सजेशन दिया, सो गाइस अ बिग थम्स अप गाइस, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, वीडियो लाइक जरूर कर देना, शेयर करके राघव के पास जरूर पहुंचा देना, टैग कर देना भाई मुझे भी, उसे भी एक स्टोरी में, मैं जरूरी पोस्ट मारूंगा आपकी स्टोरी। सो गाइस इन द एंडिंग थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस, ख्याल रखो अपना और अपनों का, घर वालों का कोरोना के इस टाइम में, आई होप सब बढ़िया है, किसी के घर में कोई ऐसा उल्टा उसे केस वेस नहीं है। सो बाय गाइस, लव यू ऑल।